Hello students, good morning. Today is Tuesday and today we are going to learn subtraction example. But now this time we are solving 3-digit examples, but little bit steps are different. It means subtraction with borrowing today we are going to learn. Now in your textbook there is a word problem. Okay, so in that textbook the example they have solved using the dots as well as using the numbers. ये हमें सीखना है. हमने ये सीखा है students कि subtraction कब होता है, जब ऊपर का number और नीचे दिया गया number ऊपर के number से छोटा होता है, तब हम subtraction कर सकते हैं. तो करते हैं. लेकिन अगर mostly क्या होता है कि नीचे का नंबर अगर ऊपर के नंबर से बड़ा होगा तो क्या करना है. हियर इज वन एग्जाम्पल, 345 - 127. नाउ दिस टाइम हाउ यू विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल. सो देयर इज अ डिफरेंट ट्रिक्स, अ डिफरेंट मेथड. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, कैन वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5? क्या हम 7 को 5 से माइनस कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते. बिकॉज व्हाई? 5 इज स्मॉलर नंबर, 7 इज बिगर नंबर. ओके, सो दैट टाइम हमें क्या करना होता है कि उसके सामने, उसके पास में जो नंबर होता है उससे आपको एक नंबर बोरोइंग करना पड़ता है. इट मीन्स मेथड कैसा है, देखो यहाँ पे 5 को कट कर दो. ओके, दैट टेक्स प्लेस में जो 4 है उसे भी आप कट कर दो. ओके, ये जो 5 है उसे आप ऊपर लिखो और 4 में से आपने 1 लिया, यहाँ पे ये बन गए 15. हाउ दे हैव फाउंड 15? बिकॉज इफ वी टेक 1 फ्रॉम, दिस इज द टेंस कॉलम, इफ वी टेक 1 टेंस, इट मीन्स दैट 1 टेंस यू हैव टू एड इन वंस नंबर. It means 10 plus 5, 15 will become. Now this number will increase and that time we can subtract 7 from 15. तो ऐसा होता है. आपको ये भी नहीं समझ में आया तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है, इस नंबर को कट करना है, ऊपर लिखना है, पास में जो नंबर है वहां से हमें 1 लेना है. वहां से हमें कितना लेना है? 1 लेना है और इसी नंबर के सामने उसे लिखना है. ओके, तो जब आपने अभी यहाँ पे ध्यान दो, टेंस कॉलम पे ध्यान दो, अगर आपने 1-4 से लिया तो टेंस कॉलम में कितने बचे हैं अभी? 3. कितने बाकी रह गए वहां पे टेंस कॉलम? देयर इज 3. दैट मींस यू हैव टू राइट ऑन दैट टाइम, ऑन वेरी टाइम यू हैव टू राइट दैट नंबर ऑल्सो. नाउ अ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन दिस 7. ओके, तो 15 माइनस 7 क्या आंसर मिलेगा आपको? जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट आंसर, यू विल गेट नंबर 8. 15 में से हमने 7 क्या किए? कट किए, माइनस किए, तो हमें कितने मिले वहां पे? अभी हमें मिला है 8 मिला है ना, बराबर. नाउ सेकेंड, इन टेंस कॉलम देयर इज 4. क्या है वहां पे? क्या है? 4 है ना वहां पे? क्या है? 4 है. तो अभी 4 में हमने क्या किया था? 1 क्या कहा लिया था? 1s के कॉलम में लिया था. तो वहां पे अभी क्या करना है हमें? 3 - 2. 10s के कॉलम में वहां पे क्या है? 3 है. तो हमें क्या करना है? 3 - 1 कितने बाकी रह गए यहाँ पे? 3 - 2 - 1 इज देयर. And in 100 column there is 3 and 1. We can subtract 1 from 3. So that is why there you will get answer 3 - 1 - 2. Understood? This is subtraction with borrowing. Pass ke number se borrowing karna hai, lena hai, aur fir hume kya karna hai? Examples solve karne hai. Kya kiya humne? Fir se main batati hu, please pay attention. 7 5 se minus karna possible nahi tha. टेंस के कॉलम में हमने 1 लिया, इस 5 को हमने ऊपर लिखा, तो यहाँ पे बन गए 15.
15, देन हमने क्या किया 7 को 15 से माइनस किया, तो वहां पे हमें आंसर मिला 8। और यहाँ पे बचे एक, हमने वहां पे दिया था, तो यहाँ पे क्या बचे 10 के कॉलम में 3 रिमेंड रह गया, 3 लेफ्ट हो गया, 3 लेफ्ट है वहां पे। तो 3 में 3 से हमने 2 को माइनस किया, तो हमें क्या मिला फिर आंसर 1 मिला। यहाँ पर भी 3 से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिला 2। तो इसी प्रकार से लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व ऑल एग्जांपल व्हिच आर इन आवर टेक्स्टबुक। दिस इज अनदर मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, दिस आर एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन विद बोरोविंग, बोरोविंग एग्जांपल उनको कहा जाता है। द नेक्स्ट एग्जांपल 872 456 माइनस करना है। ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम वंस कॉलम। Now in ones column you can see there is above side 2 and below side 6. It is not possible subtracting 6 from 2. So that time what we do? We borrow one number from tens column. So that time do that first. Cut these 2 right above side. Take 1 from 7. It will become 12. Now subtract, if it's possible. You have taken 1 from 7 tens. It means there is 6 tens are remained. Now look at the number. You can subtract 6 from 12. You can subtract 5 from 6. Now subtracting is possible. Subtraction is possible. 12 is a 6 minus karne hai. Ab maine bataya tha forward counting or using the fingers. You can solve the example. 12 minus 6. How you will find? Count the fingers till 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stop counting. How many fingers you want? There is 6 fingers. It means your answer is also 6. You will write 6. Alright? Now you in tens column there is 6. Now don't think about 7. Why? Because from 7 already we have taken 1 for 1's column. So those number is left there, only you have to think. So there is a tens column on top side, you can see there is 6. So 6 minus 5, if these are 6 finger and we less 5 from 6, so how much is remain? How many finger are remain? So there is 1. Okay? 8 minus 4, you will get answer 4. It means 872 subtract 456, we got 416 answer, students. Okay, understood? How we have solved? Got it? Okay, next example, if in one column there is 0. Agar one column mein kya hai? 0 है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस सॉल्व अनदर एग्जांपल 940 माइनस 206। अभी हमने थोड़ा अलग एग्जांपल लिया है जहां पे आपको वंस कॉलम पे क्या है 0 है, तो उस टाइम क्या करना है? सेम मेथड करनी है स्टूडेंट्स, सेम मेथड करनी है। जीरो को कट करेंगे एंड ऊपर लिखेंगे टेंस प्लेस नंबर, कट द टेंस प्लेस नंबर, टेक वन फ्रॉम फोर, सो यू इट विल बिकम एन। ओके, फोर नंबर से आपने अगर एक वहां पे लिया, ये फोर फिंगर से और एक फिंगर आपने वंस कॉलम पे लिया, तो टेंस कॉलम में कितने फिंगर्स बाकी रह गए अभी, या कितने नंबर्स बाकी रह गए? सो देयर इज 3 फिंगर, सो हियर यू हैव टू राइट 3। अभी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 10 माइनस 6 आप फिंगर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 10th फिंगर है और हमें 10th फिंगर से कितने फिंगर्स माइनस करने हैं? 6 फिंगर्स माइनस करने हैं, तो ये 5 और ये 1, हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट? देयर इज 4 फिंगर। तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा हमें? 4। Now look at tens column. 3 minus 1. 3 minus 1. 2 you will get. Alright? And 9
answer 724. Understood, students? Have you any problem? Understood what we have solved? Okay. तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, we have to solve different example with borrowing number. हमें सामने वाले नंबर से हमेशा borrowing करना है और example क्या करने हैं, solve करने हैं. One more example we will solve on the board. I will write one more example here. It is 541 minus 237. Okay. What is the example is there? 541 subtract 237. Always we start from ones place. So from ones place we will solve example. But at the ones place there is top side one number is there, below is 7. So what we have to do? Same things, because even example we have to solve using borrowing numbers from tens column. So same step, cut this one. इसे cut करना है. अपोज साइड में लिखना है. Tens column में 4 है. 4 से हमने 1 minus किया, it will become 12. If we are taking one from tens column, it means at a time we take tens from ten column. और जो ones place के जो number है उसमें वो add करना होता है, but वो कर maybe that is difficult for understanding to you. So it is easy taking one from tens column, remaining number write in tens column. This number you have to write after that borrowing numbers. तो ये easy step है. I think this is step से हमें all examples solve करने हैं. Okay? So जब हमने 4 से 1 लिया तो ये हो 3 is left. Okay? Now 11 minus 7. 11 minus 7. 8, 9, 10, 11. It means there is 4. Alright? 3 minus 3. 3 number here. 3 minus 3. कितने बच गए? 3 minus 3. 0 is there. And 5 minus 2. 3 is there. Okay, so 541 minus 237, you got answer 304. So like these examples, we have to solve in our next exercise. Exercise number 4.5, there are a lot of examples. So you have to solve that examples. I will send PDF of both exercise 4.4 as well 4.5 also. In next video, we will discuss about how to borrow a number from tens and hundred column. Till bye bye and take care, dear students.